हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली Infinix ने आज इंडिया में अपना Infinix नोट 11 स्मार्टफोन जो है लॉन्च कर दिया है। प्राइस पॉइंट आ चुकी है, स्पेक्स आ चुके हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ एंड अपने ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूंगा कि भाई आज की डेट में स्मार्टफोन को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या है प्रोस क्या है कॉन्स। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 3000 लाइक्स का, आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं गाइस, आज की हमारी ये सेकंड वीडियो है। सुबह में हमने Realme 9i स्मार्टफोन की कंप्लीट डिटेल्स दिया था, इंडिया में कब आएगा, क्या प्राइस पॉइंट पाएगा, क्या स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, फर्स्ट लुक कंप्लीट डिटेल दिया हूं। तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Infinix नोट 11 स्मार्टफोन के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इंडिया वाले वेरियंट के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें तो बॉक्सी टाइप का आपको बैक पैनल देखने को मिलता है, दिखने में फोन यहाँ पर काफी सही है। बैक अगेन यहां पर आपको पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें जो कि आप बोल सकते हो स्मार्टफोन का हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहां पर अगेन आपको 6.7 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, जो कि जो प्राइस पॉइंट पे आया है जो कि काफी बढ़िया बात है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें, इंडिया में एक ही वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 4GB की रैम मिलती है, 64GB की स्टोरेज है। अच्छी चीज यह है कि यहां पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, ईएमएमसी वाला स्टोरेज टाइप है, एनएलपी डीडीआर 4X वाला रैम टाइप भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए यहां पर आपको मीडियाटेक का हीलियो G88 का चिपसेट मिलता है, जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, Redmi 10 Prime जैसे स्मार्टफोन पे आपको मिलता है। जो प्राइस पॉइंट पे आया है तो आपको डीसेंट परफॉर्मेंस यहां पर ये प्रोवाइड करा देगा। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलता है, 50MP का प्राइमरी सेंसर है, देन 2MP का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है एंड तीसरा कैमरा पता नहीं Infinix जो AI कैमरा सारे स्मार्टफोन पे देता है वही आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में सेल्फी कैमरा यहां पर आपको 16MP का देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन एंड यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिल जाता है, XOS 10.0 पे यहां पर ये रन करता है। सेंसर्स यहां पर आपको सारे देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बढ़िया बात है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है टाइप सी पोर्ट के साथ में एंड 33W की फास्ट चार्जिंग को डिवाइस सपोर्ट करता है एंड आउट ऑफ द बॉक्स जो है 33W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो कि अगेन काफी बढ़िया बात है। तो गाइस, ये पूरे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको Infinix नोट 11 के इंडिया वाले वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करें जो कि ये स्मार्टफोन की प्राइस पॉइंट जो 464 वाला वेरिएंट है, अगर आप पहले फ्लैश सेल में लेते हो इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो सिर्फ रखी गई है 11999, मतलब 12000 रुपए में यहां पर ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। मैंने एक्सपेक्ट करा था कि 13000 मतलब ओरिजिनल प्राइस पॉइंट 13000 के आसपास ही रहेगी, बट अगर आप पहले फ्लैश सेल में लेते हो सीधा सीधा कैश ऑन डिलीवरी लो या कार्ड से लो जिससे भी लेते हो 12000 रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या 12000 रुपए में ये स्मार्टफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या है प्रोस क्या है कॉन्स। तो प्रोस तो आपको भर भर के देखने को मिलते हैं, जिसके हीलियो G88 का चिपसेट मिल जाता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है वो भी फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, अच्छी बात है। डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, 5000mAh बैटरी है, 33W की चार्जिंग है, 50MP का प्राइमरी सेंसर है। तो 12000 रुपए में भाई धमाकेदार फीचर यहां पर Infinix ने जो है प्रोवाइड कराए। अब कमी की अगर हम बात करें तो मुझे पर्सनली ये डिवाइस में सिर्फ दो कमी यहां पर लगती है। सबसे पहली कमी की अगर हम बात करें वो है इसके डिस्प्ले को लेके। नो डाउट एमोलेड डिस्प्ले काफी जबरदस्त है, लेकिन अभी 2022 अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा एंड वाटर ड्रॉप नॉच थोड़ा ओल्ड वाला यहां पर लगता है। मेरे हिसाब से अगर नॉच देते तो मेरे हिसाब से बेटर रहता था। साथ ही में दूसरी कमी की अगर हम बात करें तो वह इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, क्योंकि जनरली Infinix डेफिनेटली XOS में फीचर भर भर के देते हैं, अच्छे यूजफुल फीचर भी रहते हैं, लेकिन एड्स ब्लोटवेयर अनवांटेड जो नोटिफिकेशन रिकमेंडेशन वगैरह आती है वो ये स्मार्टफोन पे भी आपको देखने को मिलने वाला है। हाँ, पहले के कंपैरिजन में कम कर दिए है, लेकिन सॉफ्टवेयर अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड या बाकी के UI से कंपेयर करोगे तो वहां पर आपका थोड़ा सी मजा जो है कम हो जाता है। अगर आप ये चीज को आप हटा सकते हो एंड बाकी के अगर आप फीचर की बात करते हो तो 12000 रुपीज में मेरे हिसाब से AMOLED डिस्प्ले के साथ में एक तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, डेफिनेटली देखना चाहते हो देख सकते हो। एंड अगर आपको फोन लेना ही है तो मैं बोलूंगा स्टार्टिंग डेज में ही परचेस कर लेना। आई थिंक 23rd December से पहला फ्लैश सेल है, तभी परचेस कर लेना, तब आपको 12000 रुपए में मिलेगा। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो जो ओरिजिनल प्राइस पॉइंट 13000 के समथिंग कुछ है वहां पर वैसा
आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वैसे गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ओवरऑल नोट 11 स्मार्टफोन आपको इन्फिनिक्स का कैसा लगा, क्या आप ये फोन को परचेस करोगे नहीं करोगे, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। सो होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।